दोस्तों, क्या चाइनीज जेट्स का यूज करके पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स को डिफीट कर सकती है? पाकिस्तान आज अपने मिराज 3 और मिराज 5 जैसे लगभग 250 पुराने एयरक्राफ्ट्स को फेज आउट करने में लगा है, लेकिन उसके लिए पैसा कहां से आएगा? डेट रिडन पाकिस्तान आज यूएस या यूरोप के फाइटर्स की कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता है, और इसीलिए आज पाकिस्तान चाइना की ओर देख रहा है। चाइना का JL-10 फाल्कन, जिसकी कॉस्ट अराउंड 10-15 मिलियन है, पाकिस्तान के लिए एक बेहतर ऑप्शन बन जाता है। साथ ही पाकिस्तान जो आज चाइनीज JF-17 और J-10CE ऑपरेट करता है, इनकी कॉस्ट भी रफाल के कंपैरिजन में आधी है। जहां JF-17 सिर्फ $25 मिलियन का है, वहीं लेटेस्ट रफाल की कॉस्ट अबाउट $80 मिलियन की है। लेकिन चाइनीज ओरिजिन का होने के बावजूद चाइनीज एयरफोर्स पुअर क्वालिटी के चलते JF-17 को खुद ऑपरेट नहीं करती है, वहीं पुअरर कंट्रीज को JF-17 जैसे जेट्स चाइना बेचने में लगी है, जैसे कि पाकिस्तान के साथ साथ म्यांमार और नाइजीरिया। साथ ही स्पेयर पार्ट्स की अनअवेलेबिलिटी, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट और पुअर सर्विस रिकॉर्ड्स इन चाइनीज प्लेन्स की दूसरी प्रॉब्लम्स हैं।